वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक का 17th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखो ये प्रॉब्लम जो है ये दिखने पर बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको पहले कंपेयर करेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। पहले हम चेक करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है, यहां से हमें m एंड n का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, हमें m मिलेगा और n मिलेगा। फिर आपको m को क्या करना है और n के साथ क्या करना है, तो एक बार आपको m एंड n मिल गया तो m को आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो हम कहेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं वो पता कर पाएंगे। और अगर एग्जैक्ट होगा तो ही फिर आगे सॉल्व होगा और फिर हमें सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलो चेक करके देखते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। तो ये देखिए, बिल्कुल ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये देखो ये जो पहला ब्रैकेट है, ये जो पहला ब्रैकेट है ना, ये पहला ब्रैकेट जो है ये m है, दैट इज एम डी एक्स, और ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये n है, दैट इज एन डी वाई इक्वल टू जीरो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो अब यहां से हमें m एंड n निकालना आसान हो जाएगा। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये हमारा m है और ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये है n, और अब आसानी से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए, तो गिवन इक्वेशन जो है वो हम यहां पे पहले एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हम यहां लिख लेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो फिलहाल जो है हम इसको यही पे कॉपी कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से यहाँ पे आ जाए। तो ये हमने कॉपी कर लिया है और अब जो है देखो यहाँ पे m और n क्या है ये हमने आपको पहले ही बता दिए है। तो अब देखो ये किस तरह से सॉल्व होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा पहले लिखना पड़ेगा कि कंपेयर इट विथ दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इसके साथ इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये m है, तो हम यहां लिख लेंगे देयरफॉर m क्या है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट है, तो इसको भी हम यहां पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये m यहां पे हमने, ये देखो ये हमने m ले लिया, और n क्या है, तो इधर का जो है n है, ये जो ब्रैकेट के अंदर का जो कुछ भी है वो n है, तो इसको भी हम यहां पे कॉपी कर लेते हैं ताकि ये जल्दी से यहां पे आ जाए। तो ये देखिए, ठीक है, m और n हमने ले लिया है और अब हमें क्या करना है, अब हमने जैसा कहा था कि m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो चलो डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे में x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और जब उधर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे y कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखो ये m का हो जाएगा डेल m बाय डेल y, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए डेल m बाय डेल y। और अब देखो राइट साइड में यहां पे जाहिर सी बात है, ये देखो फर्स्ट टर्म में y है क्या, बिल्कुल फर्स्ट टर्म में y है, ठीक है, और ये जो यहां जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो है x है, इसका मतलब ये ब्रैकेट पूरा कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इनडायरेक्टली ये 1 इंटू ब्रैकेट यानी इनडायरेक्टली 1 प्लस 1 बाय x, ठीक है, इस तरह से ये हो गया। और अब cos y को डिफरेंशिएट करो, cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin y। तो फाइनली हमने डेल m बाय डेल y
ये फाइंड आउट कर लिए। बिल्कुल इसी तरह से अब यहां पे n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे y कांस्टेंट रहे हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में n का हो जाएगा डेल n बाय डेल x। और अब देखो यहां x है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x एंड माइनस यहां पे sin y कांस्टेंट है लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 यानी 1 into sin y यानी ओनली sin y। ठीक है, तो ये हमने फाइनली दोनों को डिफरेंशिएट कर लिया है। अब चेक करो क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल ये दोनों सेम है। यहां पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, ब्रैकेट शो करना जरूरी नहीं है। अब देखो आप दोनों को देख सकते हैं, ये दोनों जो है वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डेल एम बाय डेल वाई और ये डेल एन बाय डेल एक्स, ये दोनों सेम आ चुके हैं। तो फाइनली अब हम स्टेटमेंट में यहां लिख सकते हैं कि सिंस डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम स्टेटमेंट भी लिख लेंगे। तो चलो लिखते हैं, तो ये हमने यहां स्टेटमेंट में लिख दिया है, सिंस डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है हमें ये पहले कंफर्म करना होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो हमने पता कर लिया है बाय यूजिंग दैट कंडीशन कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, और अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या फार्मूला है। देखो फार्मूला यहां डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला ऐसा है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ब्रैकेट के अंदर अब क्या आने वाला है ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पे ब्रैकेट के अंदर है टर्म्स ऑफ एन, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, नॉट कंटेनिंग एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू सी। देखो ये फार्मूला है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, कहां है एम, तो ये देखिए ये जो हमने इसके पहले एम यहां पे निकाले थे, ये देखो ये है एम और ये है एन। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज हमें करना है टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो ये एम उठा के आपको यहां पुट करना है, उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये यहां पे देखो क्या लिखा है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब एन की वो टर्म जिसमें एक्स नहीं है वो आपको यहां लिखना है। तो चलो ये हम सब लिखते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखो ये किस तरह से आपके, देखो आपके सामने एम और एन है, तो यहां पे चलो सबसे पहले एम हम यहां पे यूज करेंगे, तो ये हम लिख लेंगे दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम क्या था दैट इज इसको ब्रैकेट में लेंगे वाई देन वन प्लस वन बाय एक्स और फिर है प्लस ऑफ कॉस वाई और इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, प्लस अब देखो इसके अंदर क्या आने वाला है टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, मतलब एन की वो टर्म जिसमें एक्स नहीं है। सबसे पहले चेक करो एन में कितनी टर्म्स है, तो एन में यहां पे थ्री टर्म्स है, पहला है एक्स, दूसरा है लॉग एक्स और तीसरा है एक्स साइन वाई, और ये देखो तीनों में एक्स है। क्या यहां पे ऐसा कोई टर्म है जिसमें एक्स नहीं है, यहां पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें एक्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पे हम लिख सकते हैं जीरो इंटू डी वाई इक्वल टू सी। यहां पे जीरो क्यों आया, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें एक्स नहीं है, सभी में एक्स है। देखो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, कोई भी टर्म में एक्स नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब यहां पे जीरो आना तय है। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे इंटीग्रेट करने के लिए पहले इंटीग्रेशन को स्प्लिट करो, यहां तो जीरो आएगा पूरा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पे इंटीग्रेशन इंटू ये टर्म, इंटीग्रेशन इंटू ये टर्म करो, यहां पे डीएक्स इंटू ये टर्म, डीएक्स इंटू ये टर्म करो, इधर से भी मल्टीप्लीकेशन होगा और इधर से भी मल्टीप्लीकेशन होगा। तो चलो हम यहां पे करेंगे, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ऐसे में वाई यहां पे कांस्टेंट रहेगा, तो वाई को बाहर ले लो। तो हम यहां पे वाई को बाहर लेंगे, पहले में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अब इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में वन प्लस वन बाय एक्स, एक्स वाली टर्म अंदर रखो और इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहां पे देखो कॉस वाई, लेकिन कॉस वाई कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी एक्स इक्वल टू सी। बस इसको अब इंटीग्रेट करो, यहां पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो क्या इंटीग्रेशन आता है, अब यहां पे y, अब यहां पे 1 प्लस 1 बाय x, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूला है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है, और प्लस यहां पे cos y तो as it is रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dx तो वो हो जाएगा x, सो x into cos y, तो x cos y ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू c। ठीक है, यहां तक क्या ये और सॉल्व किया जा सकता है क्या,
हमने इंटीग्रेशन तो कर लिया है, इसको और भी और यहाँ पे कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ये रिड्यूस नहीं होगा, कोई टर्म कैंसिल वगैरह नहीं होगा, इसको यही पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, बस नीचे हम स्टेटमेंट में यहाँ लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और फाइनली इस तरह से ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए। तो ये देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया था, उसको हमने कंपेयर किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, m और n निकाले, m को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, दोनों सेम थे, तो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है कि सिंस बोथ आर सेम देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और फिर सॉल्यूशन निकालना है, तो ये फार्मूले से सॉल्यूशन निकालना होता है, और सॉल्यूशन हमने निकाल लिए, ये सॉल्यूशन मिला, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स की आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। हमने जैसा कहा था स्टार्टिंग में कि प्रॉब्लम जो क्वेश्चन था वो स्टार्टिंग में दिखने पर बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आसान जाएगा। तो देखो आपके सामने बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। तो ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 17। इसके पहले जो हमने इसके 16 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।